Hey, what's up guys? This is Gadekar Shiva. Guys, फिर से एक बार angry related English sentences, यानी गुस्से में बोले जाने वाले English sentences की एक और नई वीडियो पार्ट 5 में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। इससे पहले 4 पार्ट्स angry sentences के ऊपर बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे तो कोई बात नहीं गाइस, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उन वीडियोस के जो लिंक्स है रख दिए हैं, तो प्लीज़ उन वीडियोस को भी एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये सेंटेंसेज जो कि मैंने पिछले वीडियोस में बताए हैं और ये वीडियोस में भी बताने वाला हूँ, ये बहुत ही कॉमन है और यूज़फुल है। ये जब आपको किसी के ऊपर गुस्सा आएगा तो उन्हें हिंदी के बदले इंग्लिश में डांटने के लिए और अपना गुस्सा इंग्लिश में निकालने के लिए बहुत काम में आएंगे, तो ज़रूर इन सारे वीडियोस को देखिएगा। और अगर आपको लगता है कि इन वीडियोस को देखकर आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो रही है तो प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक करिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। तो चलिए गाइस, बिना देरी करते हुए आज के सेंटेंसेस जान लेते हैं। तो पहला सेंटेंस है, तुम बहुत ज़िद्दी हो, मतलब यू आर सो स्टबर्न। अगर कोई एक ही बात को लेकर डटे रहते हैं और रोना धोना करते हैं और वो किसी की भी बात नहीं सुनते हैं, तो तब आप उन्हें गुस्से में कहते हैं कि तुम बहुत ज़िद्दी हो। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे कि यू आर सो स्टबर्न, यू आर सो स्टबर्न। ज़िद्दी को हम इंग्लिश में स्टबर्न कहते हैं। तुम इतने ज़िद्दी क्यों हो, मतलब वाई आर यू सो स्टबर्न, वाई आर यू सो स्टबर्न। अगला सेंटेंस है, बच्चों की तरह बर्ताव मत करो, या इसे हम इस तरह से भी कहते हैं कि बच्चे मत बनो। जब बड़े भी बिना सोच समझकर कोई काम करते हैं तो और बच्चे की तरह बर्ताव करते हैं तो तब हम उन्हें गुस्से में कहते हैं कि बच्चों की तरह बर्ताव मत करो। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे कि डोंट बी सच ए बेबी, डोंट बी सच ए बेबी। या इसे हम इस तरह से भी कहते हैं कि स्टॉप एक्टिंग लाइक ए चाइल्ड, स्टॉप एक्टिंग लाइक ए चाइल्ड। या इसे हम इस तरह से भी कहते हैं कि डोंट बी सो इमेच्योर, डोंट बी सो इमेच्योर। अगला सेंटेंस है, मैं तुमसे नहीं डरता, मतलब आई एम नॉट स्केर्ड ऑफ यू, आई एम नॉट स्केर्ड ऑफ यू। या इसे हम इस तरह से भी कहते हैं कि आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू। मैं किसी से नहीं डरता, मतलब आई एम नॉट स्केर्ड ऑफ एनी वन। या इसे हम इस तरह से भी कहते हैं कि आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनी वन। अगर आपको कहना है कि आपको किसी भी चीज़ से आपको डर नहीं लगता है तो आप यहाँ पे एनी वन के जगह पर एनी थिंग लगा कर कह सकते हो कि आई एम नॉट स्केर्ड ऑफ एनी थिंग या आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनी थिंग। मुझे कम मत समझो, मतलब डोंट अंडर एस्टिमेट मी, डोंट अंडर एस्टिमेट मी। अगला सेंटेंस है, तुम मुझसे भाग नहीं सकते, मतलब यू कैंट रन अवे फ्रॉम मी, यू कैंट रन अवे फ्रॉम मी। तुम मुझसे बच नहीं सकते, मतलब यू कैंट एस्केप फ्रॉम मी, यू कैंट एस्केप फ्रॉम मी। या इसे हम इस तरह से भी कहते हैं कि यू कैंट गेट अवे फ्रॉम मी, यू कैंट गेट अवे फ्रॉम मी। अगला सेंटेंस है, मैं उसे अभी सबक सिखाऊंगा, मतलब आई विल टीच हिम ए लेसन राइट अवे। जब कोई गलत काम करते हैं और दूसरों को तकलीफ देते हैं तो तब हम गुस्से में कहते हैं कि मैं उसे अभी सबक सिखाऊंगा। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे कि आई विल टीच हिम ए लेसन राइट अवे, आई विल टीच हिम ए लेसन राइट अवे। अगला सेंटेंस है, मैं उसे दिखाऊंगा कि मैं कितना ताकतवर हूँ, मतलब आई विल शो हिम हाउ पावरफुल आई एम, आई विल शो हिम हाउ पावरफुल आई एम। हे भगवान, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, मतलब ओ गॉड हाउ मेनी टाइम्स हैव आई टोल्ड यू।
Oh God, how many times have I told you? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है उसके साथ मत खेलो. मतलब How many times have I told you not to play with him? How many times have I told you not to play with him? हे भगवान, मुझे तुम्हें कितनी बार बताना होगा. मतलब Oh God, how many times do I have to tell you? Oh God, how many times do I have to tell you? तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई. मतलब How dare you come here? How dare you come here? मेरे पीठ पीछे बातें मत करो. मतलब Don't talk behind my back. अगर आपके पीठ पीछे आपके बारे में कोई बुरा कहता है तो तब आप उन्हें गुस्से में कहते हैं कि मेरे पीठ पीछे बातें मत करो. तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे कि Don't talk behind my back. Don't talk behind my back. अगला सेंटेंस है अपना मुंह बंद रखो. मतलब Keep your mouth shut. Keep your mouth shut. तुम बहुत स्वार्थी हो. मतलब You are so selfish. You are so selfish. तुम इतने स्वार्थी क्यों हो. मतलब Why are you so selfish? Why are you so selfish? तुम झूठ बोल रहे हो. मतलब You are lying. You are lying. मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ. मतलब I am not lying. I am not lying. झूठ बोलना बंद करो. मतलब Stop lying. Stop lying. मुझसे झूठ बोलना बंद करो. मतलब Stop lying to me. Stop lying to me. मेरे साथ झूठ मत बोलो. मतलब Don't lie to me. Don't lie to me. तुम्हें शर्म आनी चाहिए. मतलब You should be ashamed. You should be ashamed. ये सब तुम्हारा दोष है. या इसे हम हिंदी में इस तरह से भी कहते हैं कि ये सब तुम्हारी गलती है. मतलब This is all your fault. This is all your fault. मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता. मतलब I don't want to talk to you. I don't want to talk to you. मुझसे बात मत करो. मतलब Don't talk to me. Don't talk to me. तुम डरपोक हो. या इसे हम हिंदी में इस तरह से भी कहते हैं कि तुम कायर हो. मतलब You are a coward. You are a coward. या इसे हम इस तरह से भी कहते हैं कि You are a timid. You are a timid. तुम एक बेवकूफ हो. मतलब You are such an idiot. You are such an idiot. तुम बेकार हो. मतलब You are useless. You are useless. अगला सेंटेंस है ये क्या बकवास है. मतलब What rubbish is this? What rubbish is this? तो ये थी गाइस कुछ गुस्से में बोले जाने वाले इंग्लिश सेंटेंसेस की पार्ट 5 वीडियो. तो जब कभी भी अगर आपको किसी के ऊपर गुस्सा आता है तो ज़रूर इन सेंटेंसेस को यूज़ करिएगा. और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा. और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिए. और अगर आप भी कुछ इस तरह के सेंटेंसेस जानते हैं तो ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए. और गाइस जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले. सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें. ये मेरा चैनल का लोगो है, इसके ऊपर क्लिक करके आप सब्सक्राइब हो जाओगे. तो गाइस प्लीज़ मेक श्योर सब्सक्राइब करें. मैं मिलूँगा आपको अगले वीडियो में. तब तक के लिए शुक्रिया.